तो मैं आपका स्वागत है सुषमा जी। आज का जो महिला साहित्य समागम हो रहा है उसमें आपका बहुत बहुत वेलकम। सबसे पहले सवाल की है कि इस तरह के जो आयोजन किए जा रहे हैं महिला साहित्य संस्था और घमासान द्वारा जो साहित्य समागम हो रहा है आज का, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपको इधर देख के बता सकते हैं? जी, जो भी इस तरह के अब कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूर दूर से लोग आते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, हम सबको एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए और इंदौर वाले तो खासकर बहुत ही आत्मीयता से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। महिला लेखन इस वक्त जो चल रहा है, कि मैंने अभी पीछे एक बार पहले भी कहा था कि पहले स्त्री विमर्श पे जो बातें होती थी, आजकल उनका थोड़ा सा रुख बदल गया है। अब स्त्री विमर्श का मतलब घर से आज़ादी, अत्याचारों से आज़ादी नहीं है, अब वो और भी आगे एक स्टेप आगे है कि हर जगह उसका उतनी ही सहभागिता होनी चाहिए। और हमारे लेखन में भी ये चीज़ दिख रही है कि सिर्फ घर परिवारों की बातें स्त्रियां नहीं कर रही हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेल हो, चाहे विश्व के उस पर बात हो, सब पे ही कहानियाँ और सब कुछ लिखा जा रहा है। आप अपने लेखन को लेकर क्या सोचते हैं? अपने लेखन को लेकर मेरा लेखन जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत नेचुरल है लिखना, क्योंकि जो भी मैं लिखती हूँ वो बहुत मन से लिखती हूँ, कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं होता। चाहे मेरी एक कहानी 6 महीने में अगर मुझे लग रहा है तो मैं 6 महीने में लिखूँगी, और अगर नहीं लग रहा तो 6 महीने कलम उठाऊँगी ही नहीं। आसपास जो भी मुझे घटित होता लगता है, वो जब मेरे अंदर अटक जाता है और मुझे ऐसा लगने लगता है कि बस इसे और अंदर नहीं रखा जा सकता, तब वो कहानी अपने आप जन्म ले लेती है। आप तो आज की जो यंग पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इन दिनों जो युवा लेखिकाएं जो लिख रही हैं, इनको लेकर क्या आप सोच रहे हैं? जी, आजकल के जो युवा लेखिकाएं लिख रही हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले के लेखन में ये चीज़ बहुत होती थी कि घर से परेशान है या इधर अत्याचार, और आजकल का कंसेप्ट बदल गया है। इस टाइम जो प्रॉब्लम है वो एक तो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो गए हैं, लड़की लड़कियों को आपस में कंपैटिबिलिटी, शादी कंपैटिबिलिटी, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना, बाहर के एनवायरनमेंट में निकलना, वुमेन सेफ्टी। तो महिला लेखन जो हमारी उम्र के लोग लिख रहे हैं, वो उनका कॉन्सेंट्रेशन भी यही है, हम रिलेशनशिप्स को कैसे बचाया जाए, एस्टेब्लिश किया जाए, या उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, या हम जो बाहर वर्क करते हैं, लेट नाइट्स काम करते हैं, या बाहर पूरे समाज के साथ जो काम करते हैं, उस वर्किंग प्लेस पे हमारे साथ क्या दिक्कत आ रही है। तो हमारा लेखन ज़्यादातर उसके आसपास और राजनीति, इकोनॉमिक्स, ये सब हमारे काम पर कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में लिखा जा रहा है। मतलब जो विषय वस्तु है वो बदल गई है, बदलते मूल्यों के अनुसार। पहले भी इस सब बारे में लिखा जा रहा था, ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं लिखा जा रहा था, पर पहले बहुत कम स्त्रियां इस तरीके से जागरूक थी कि वो राजनीति या उस पर भी बात करें, इकोनॉमी पर भी बात करें। पर आजकल का जो युवा लेखिकाएं हैं, वो इस चीज़ को लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि ये सारा का सारा कंसेप्ट हमारे को भी एज ए यूथ कैसे इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, आपने जो अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम तो प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव हैं? हाँ जी, बहुत। सोशल मीडिया को लेकर क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया तो आजकल के हम जैसे लेखकों के लिए तो भूल है बिल्कुल भी। पहले आप प्रकाशक के भरोसे रहते थे, आपकी कृति पसंद आएगी, छपेगी, चक्कर काटते रहिए। सोशल मीडिया आपको इंस्टेंट रिएक्शन देता है, हालांकि उसमें से मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करूंगी कि 50% फेक रिएक्शन होते हैं, बट 50% आपका काम अच्छे लोग भी पढ़ते हैं, अच्छे लोगों तक जाता है, आपको एक पाठक मिलता है। अब आप एक बुक स्टोर पर जाते हैं, हज़ारों किताबें हैं, आपको एक बार नहीं समझ में आता कि आपको क्या पढ़ना है, पर सोशल मीडिया पे दो लाइन आपने देखी, आपको स्टक करी, एकदम से आपके दिमाग में अटकी, फिर आप ढूंढोगे कि किसने लिखी है, फिर आप अपना लेखक ढूंढोगे, फिर आप ये देखोगे इस लेखक की कौन सी किताब आई है, फिर आप वो किताब मंगाओगे। तो एक तरीके से ये हमारे को उन रिमोट जगहों तक भी पहुंचाता है जिनको हम जिनसे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। कहां कहां से मेरे पास मेल्स आ जाती हैं, कहां कहां से मेरे को लोग मैसेजेस करते हैं और इनबॉक्स करते हैं, मैं उन लोगों को नहीं जानती। अभी मेरी 15 कविताओं को किसी ने फेसबुक से ही उठाया, उसका विश्लेषण किया, उसको एक बड़ी साइट पे लगाया और तब उन्होंने मुझे मेल भेजा, तो वो मेरे लिए बहुत सुंदर सरप्राइज था। फेसबुक या सोशल मीडिया नहीं होता तो ये सब कैसे होता? जी, अच्छा, आप जो लिखते हैं तो आप ऑलरेडी स्वतंत्र लेखिका के रूप में लिखती हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरह से स्वतंत्र लेखिका के रूप में ही सक्रिय हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वतंत्र लेखिका के। जी जी, और अपनी तरफ से कुछ आप बताना चाहते हैं? मैं अपनी तरफ से बस यही कहना चाहूँगी कि आजकल लिखा तो बहुत जाहिर रहा है और बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। पहले हर विषय पे, राजनीति, स्त्री विमर्श पर तो सब कुछ लिखा ही जा रहा था, पर आजकल एक बहुत अच्छी बात है कि क्लिष्ट हिंदी की बजाय हिंदी थोड़ी इजी इस तरीके से कर दी गई है कि चाहे वो हॉस्टल लाइफ हो,
या कॉलेज लाइफ हो या राजनीति हो, उसमें स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, लिखने वाले स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। तो जो नया यूथ है जो हिंदी की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं था, फेसबुक ने लोगों को हिंदी की तरफ भी आकर्षित किया। तो आप हिंदी की तरफ भी एक रुझान, जैसे हम लोग ही हैं, हम लोगों ने हमेशा इंग्लिश में पढ़ा और पढ़ाया, कॉर्पोरेट में काम किया या लेक्चर्स लिए, हमेशा इंग्लिश में लिए, पर एक पॉइंट के बाद हम लोग भी हिंदी की तरफ पूरी तरीके से झुक गए, हिंदी में लिखना, हिंदी में पढ़ना। तो यूथ को अट्रैक्ट करने में सोशल मीडिया की भूमिका तो है ही, पर जो हिंदी को आपने, हिंदी हमेशा से उदार ही रही है, बहुत सारी भाषाओं के शब्द उसमें हैं, पर पहले का जो हिंदी लेखन है, मुझे आज के और तब के लेखन में बहुत से वरिष्ठ लेखकों को ये बात बुरी लगती है कि हिंदी को आपने इतना हल्का कैसे कर दिया है, आप इसमें इतने सारे शब्द क्यों ले आए हैं। पर आप इसकी एक अच्छाई देखिए कि इससे आपके पास कितने नई उम्र के पाठक जुड़ गए हैं। अगर आप मुश्किल हिंदी में बात कहेंगे, लिखेंगे, तो आपके पास पाठक बहुत कम होंगे। मेरा तो ये कहना है कि अगर आप हिंदी से ज़्यादा को लोग जोड़ते जा रहे हैं, तो हमारी आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं जो किसी भी भाषा के हैं, आप उसमें शामिल करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि भाषा उस समय का आईना होता है। 100 साल पहले जो भाषा थी आज वो रेलिवेंट नहीं है, जो आज है वो 100 साल बाद नहीं होगी। जो हमारा आज का लिखा गया साहित्य है वो आज का परिवेश कैसा था वो ये बताएगा। तो आज की भाषा में पुरानी भाषा को उठाकर लिखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, जैसा आपका आम सहज भाषा है बोलने की उसी भाषा में लिखें, तभी वो लोगों के मन तक जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।